अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है और आज मैं जिस गन का रिव्यू दे रहा हूँ वो है डायना 38 मॉडल T05। इसका दे सकते हैं, इसका बहुत ही प्यारा वुड स्टॉक है और इसका जो स्टॉक है ये थोड़ा सा 45 से मिलता है, पर ये 38 है, स्पेशल एडिशन है। और ये इसकी फ्रंट साइड मेटल की है और इसकी रियर साइड भी मेटल की है। ट्रिगर इसका T05 है, T06 से पीछे वाला मॉडल एडजस्टेबल। उसके बाद ये देखिए, ये मेड इन जर्मनी है, जर्मन में ये कुछ लिखा हुआ है। और इसके बाद इसकी जो ये है ड्रव रेल, ये 11 mm की है, ड्रव रेल है और ये बाय कंपनी फिटेड इसके ऊपर आती है, मेड इन जर्मनी है, जैसे कि आपको पता डायना मेड इन जर्मनी है। और ये फर्स्ट जनवरी 2007 की है, मेड है, ये देखिए मेड इन जर्मनी और 101 और 2007, मतलब के पहला महीना और 2007 की इसकी ये मेक है। इसके बाद आ जाते हैं इसके लॉक की तरफ। लॉक इसका ऑटो है, जिस वक्त आप कॉक करेंगे या लोड करेंगे उस वक्त ये लॉक हो जाएगी और आपको सेफ्टी ऑफ करनी पड़ेगी। ये देखिए, पैक करेंगे तो सेफ्टी हो जाती है और इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये सेफ्टी ऑफ हो जाएगी। ये 11 mm की रेल है, स्कोप के लिए, स्कोप के यूज़र जो लगा सकते हैं इसके ऊपर। इसके बाद ये इसकी रेयर साइट है, रेयर साइट इसकी ओरिजिनल नहीं है लेकिन मतलब कि काम दे रही है, इसकी रेयर साइट गुम हो गई थी। उसके बाद ये इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड भी बस सो है। ये रस्ट इस वजह से लगा हुआ कि काफ़ी देर से पड़ी हुई थी और यूज़ नहीं हुई। इसके अलावा इसका अब आपको इसका निशाना भी चेक करवाते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस 10 yards पे है, ये तकरीबन ये मैच की पड़ी हुई है, गैमो मैच की। इसको इसके ऊपर जस्ट चेकिंग के लिए लगाया था, इसका एम लगाया था 10 yards से। इसका ये देखिए, टेन यार्ड्स है। इसके गैमो प्रो मैग्नम, इसके अंदर मैं पैलेट्स यूज़ कर रहा हूँ और मतलब के जितनी देर से पड़ी थी मुझे लग रहा था कि इसका FPS इसकी कम होगी। FPS इसकी राउंड अबाउट 700-750 इसकी FPS है। इसका जो स्प्रिंग है वो सेम एज डायना 36 की तरह का, बस इसका बट थोड़ा सा उस तरह का मिला दिया। डायना 45 का बट बैरल तक नहीं जाता था, वो बैक भी आता था, जबकि इसका जो स्ट्रोक है वो मतलब कि बट जो है वो बैरल तक आता है फ्रंट ग्रिप के लिए। ये देखिए, ये दूसरा निशान है, ये थर्ड वन, देखिए ये देखिए इसका ये स्टॉक बीचवुड में है आई थिंक सो। और ये देखिए, ये आगे तक आ रहा है डायना 38 मॉडल। ये मॉडल बहुत कम बने हैं बाय कंपनी और मार्केट में भी बहुत कम है, लेकिन ये सेम एज डायना 36 है। इसके अंदर डायना 34 का भी स्प्रिंग आ जाता है लेकिन डायना 36 का एक्चुअल इसके अंदर स्प्रिंग होता है। ये देखिए, बट पैड है इसका ब्राउन रंग में, बड़ा खूबसूरत किस्म का। और इसके ये पैलेट मैंने यूज़ किया प्रो मैग्नम कंपटीशन 14.15.42 GR के।
काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीलॉग और कमेंट।